तो एक भाई हमें तकरीबन 15 से 20 दिन से मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे बैग में कौन कौन से टूल है, तुम क्या क्या यूज करते हो वो दिखाओ। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ उनके लिए ये टूल की वीडियो बना रहा हूँ, मेरे बैग में क्या क्या है टूल और क्या क्या मैं यूज करता हूँ। तो दिखाता हूँ दोस्तों बैग ओपन करके। अब ये बैग रखा है टूल पर, ये जो पहला चेन है मेरा, ये ग्लव्स हो गए मेरे, और ये बिल बुक और पेन। अब दूसरा चेन खोल लो अपने बैग का, उसके अंदर जो निकलेगा टूल वो दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से मेरे बैग में मेरे टूल लगे रहते हैं। पहले जो ये हो गया अपने 2 रिंच, फिर ये 2 पेचकस, ये रेचेट हो गया सिलेंडर को खोलने के लिए, ये लोहे वाला ब्रश, ये रेती टेस्टर, छोटा रेती, छोटा आरी का ब्लेड, ये दोनों एलन की, ये प्लस नो प्लस, ये वायर कटर ले लो, ये हमारा दूसरा कंपार्टमेंट खाली हो चुका है। ये हमारा तीसरा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर ये जो है टूल, इससे हम विंडो इसे इंस्टॉल करते हैं तो छीलने के वक्त काम में आता है। ये कुछ चाबियां रखता हूं, ये तुम्हारे गोटियां हो गई, ये पेच का डब्बा हो गया, इंची टेप, एक पेचकस और खराब ठोका पीटी करने के लिए, ये स्विचिंग टूल, ये डाई हो गई फ्लेयर बनाने के लिए, ये फुल ऑटोमेटिक के चेक नट खोलने के लिए, अब ये हमारा, अब ये मैं चौथा चेन खोलने आ रहा हूं। मल्टीमीटर हो गया, ये 3 लाइन और गेज हो गए, 2 नोजल हो गए टॉर्च के, उसका रिफ्लेक्टर पत्ती हो गया, कुछ गैसेस और ब्यूटेन के हैं, बस मुझे टूल के बारे में सिर्फ बताना है तो इस पार्ट्स वगैरह में नहीं इन्वॉल्व कर रहा। वेल्डिंग रोड हो गई जो कि नहीं यूज करते हम, ये कैन के ऊपर लगाने वाला एडाप्टर हो गया, ये हमारा लास्ट चेन रह गया है, ये सिरिंच यूज करता हूं मैं लीकेज चेक करने के लिए, एक छोटा गेज और, टिप कटर, लट्टू पेचकस, और ये लास्ट की 2 चीजें, ये कपलर है और ये 410 का जुगाड़। ओल्ड वाला ही बेस्ट है, जो न्यू वाले आ रहे हैं ना पीछे से कसने वाले सब बेकार है, फ्यूचर में जाके मतलब कुछ टाइमों में जाके लीक हो जाते हैं वो, तो ओल्ड इज गोल्ड। तो भाई देखिए यही वो टूल है जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, बाकी और भी टूले हैं जो इंस्टॉलेशन में यूज होती है वो भी दिखा दूंगा मैं लास्ट में आपको। तो ये दोनों रिंच हो गए, ये अक्सर हम एसी को उतारने या लगाने में यूज करते हैं, सबको पता है, नट बोल्ट खोलने के लिए। ये प्लास हो गए दोनों, प्लास नॉक प्लास, और ये वायर कटर कह लो या कैपिलरी कटर,
चार नंबर पांच नंबर के एलएन की गैस को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। और ये हमारे चार पेचकस हो गए, एक लट्टू पेचकस, मीडियम पेचकस, बड़ा पेचकस और ये ठोका पीटी के लिए या हीट मार के किसी चीज को गर्म करने के लिए। ये रेचेट हो गया जो हमारे सिलेंडर के वाल को खोलने का काम आता है। ये टेस्टर है, सबको पता है, सबसे ज्यादा यूज इसका करते हैं हम, कहीं एसी के अंदर करंट वरंट तो नहीं है काम करने से पहले। यही वो ब्रश है जिससे मैं कॉइल साफ करता हूं अक्सर। और ये दो रेतियां है मेरे पास, ये रेती मैं अपना एसी के काम में यूज करता हूं और ये वाली रेती मैं गीजर के काम में यूज करता हूं। ये आरी का ब्लेड हो गया और इससे बड़ा वाला भी यूज करता हूं। ये टूल जो है, ये विंडो एसी जब हम फिट करते हैं ना तो लकड़ी जो होती है उसकी साइडों की, उसे छीलने के पर्पस से यूज करते हैं हम, इससे जल्दी छिल जाता है। जो हम इंस्टॉलेशन के लिए जगह बनाते हैं विंडो एसी की, तो कभी कभी लकड़ी भी छीलनी पड़ती है तो उसके काम में आती है। ये कुछ रिंच और या पाने कहते हैं बहुत से लोग, रिंच है जिसका उपयोग में एसी को जब इंस्टॉल करते हैं हम, एसी को जब इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर जगह कम होती है, वहां पे हमारा रेंच है ना यूज नहीं हो पाता, अच्छे से नट कस नहीं पाता, तो ये छोटे छोटे जो चाबियां होती है इससे आप इजीली कस सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बिल बुक के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला और ग्लव्स के बारे में नहीं, क्योंकि ये हर कोई जानता है। ये टी हो गई, कुछ लोग इसे गोटियां भी कहते हैं, जो मैं यूज करता हूं, एक 13 नंबर की है, 8 नंबर की, 10 नंबर की और 12 नंबर की। मल्टीमीटर में ये वाला यूज करता हूं दोस्तों, जो सबको पता है वोल्टेज एम्पेयर वगैरह चेक करने का काम आते हैं। टिप कटर एक ये है और एक छोटा वाला भी है जो कि मैं ले रहा। इसका काम होता है पाइप को काटने के लिए, जो हमारी कॉपर की पाइप होती है उसे काटने के पर्पस से हम यूज करते हैं इसे। ये फ्लेयर डाई टूल है जो सब जानते हैं, यही मैं यूज करता हूं फ्लेयर बनाने के लिए इसी का। और ये सुजिंग टूल है पाइप के होल का बड़ा करने के लिए, ताकि उसके अंदर सेम साइज का पाइप घुसा कर वेल्ड कर सके हम। ये इंची टेप है, तुम्हें पता है इसका काम क्या है। बाकी ये जो देख रहे हो छोटा वाला अडप्टर कह लो, कुछ भी कह लो इसे, ये हम छोटे केन जो होते हैं गैस के उसमें यूज करते हैं, जैसे ये वाला केन हो गया गैस का, इसके ऊपर लगाकर गैस डालने के काम आता है ये टूल। और ये है मेरी छोटी सी पिटारा खजाने का, जिसमें पेचकस वार्सल वगैरह रखता हूँ। और ये मेरा लीकेज चेक करने का डिवाइस है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये वाला टूल जो देख रहे हो ना आप दोस्तों, ये हम फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन करते हैं ना, तो बीच में चेक नट होता है उसे खोलने में काम आता है। ये दो गेजे यूज करता हूं मैं, वैल्यू कंपनी की और ये लोकल है, तो ये कभी कभी करता हूं मैं महीनों में एक आध दफा। इन दोनों टोचों के बारे में आपको पता होगा, ये वेल्डिंग के पर्पस से हम यूज करते हैं और ये आगे रखते हैं ताकि हीटिंग अच्छे से लगे पाइप के ऊपर। ये लाइटर है और मैं ये लाइन गेज यूज करता हूँ, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है और बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती है, 5-5 साल इजिली निकाल देती है। जो गैलेक्सी की रबड़ वाली आती है वो बेकार है, गैलेक्सी की ये वाली पाइपलाइन यूज करोगे आप तो आपका पैसा बहुत बचेगा, बार बार चार्जिंग लाइन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कुछ टूल हैं जो हमारे फ्रिज में यूज आते हैं अक्सर। क्या होता है, इस पाइप को हम, इसका उपयोग हम जब करते हैं, जब हम पिनबॉल का यूज नहीं करना चाहते तो पाइप में से डायरेक्ट कनेक्ट करके यहां से प्रेशर डाल सकते हैं, बिना वेल्डिंग के हो जाएगा काम। इसे कपलर कहते हैं, ये 3/8 का है, ये 1/4 का है, जो कि ये टूट चुका है, इसी टाइप का होता है पर टूट चुका है ये, तो हम रेंच से कस लेते हैं इसे,
और ये 410 का जुगाड़ है, ये 410 का अडेप्टर है जो कि इस वाले अडेप्टर से बेस्ट है। ये अब तक के मैं 5-6 खराब कर चुका हूँ, बेकार है, यूजलेस है। ओल्डी वाला बेस्ट है, ये जल्दी खराब नहीं होता और सालों साल चलता है। हो चुके हैं मुझे इसे लिए हुए 4-5 साल, अब तक के बड़े ही चल रहा है, पर ये खराब हो गया। कुछ टूल थे जिन्हें मैंने आपको दिखा दिया है, अब मैं अपना इंस्टॉलेशन वाले थोड़ा बहुत टूल दिखा दूँ आपको, बाकी फुल डिटेल में जब वीडियो बनाऊंगा ना इसकी, कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं, वो एक सीरीज लाने वाला हूँ मैं, एसी रिपेयर, स्प्लिट एसी रिपेयर का कोर्स लाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको मैं दिखा दूंगा, यूज करना सिखा दूंगा और बता दूंगा। ये हमारा दूसरा बैग है जिसके अंदर हम इंस्टॉलेशन का सामान रखते हैं ज्यादातर, जैसे कि ये वाली गन, पेच कसने खोलने में काम आती है, बड़ी जल्दी काम इससे होता है, टाइम बहुत बचाती है। दूसरा ये हैमर हो गया जो ड्रिल करने के काम आती है, सबको बताएं। ये हथौड़ा हो गया, ये वाटर लेवल हो गया, ये बिट हो गई परफेक्ट होल मारने के लिए कि पाइप निकल जाए, छेने हथौड़े का यूज नहीं करना पड़ता जब ये बिट होती है पाइप में, छेनी हो गई। इनर बेंडर, पाइप बेंडर, आउटर बेंडर, ये कुछ और बिटे हैं, ये जेपीटी का है गन जिससे हम पेच खोलते हैं और कसते हैं, बहुत जल्दी काम इससे होता है, टाइम बहुत बचती है, प्लेट को इंस्टॉल करने के काम में आ जाती है और बाकी आउटर वगैरह सब कुछ खोल सकते हो। तो ये मैं जब कैरी करता हूँ जब इंस्टॉलेशन पे लेके आता हूँ। ये 26 mm का हैमर है, रोटरी हैमर है ये, इससे आप ड्रिल भी कर सकते हो और झिड़ियाँ वगैरह भी तोड़ सकते हो, पर झिड़ियाँ वगैरह कम तोड़ना, ये जल्दी खराब हो जाती हैं। ये इनर बेंडर हो गया जो पाइप को बेंड करने का काम आती है। ये वाटर लेवल हो गया, जब प्लेट आप लगाओगे तो वाटर लेवल जांचने के लिए कि आपको ड्रेन का स्लोप किधर देना है किधर नहीं, इसके बारे में सब जानते हैं, नाम लेना बेकार है। ये दो बिटे हैं इसके साथ, छेनी और ये तोड़ने के लिए पत्थर को। ये वाला बिट बहुत अच्छा लगता है, इन सब की जरूरतें खत्म हो जाती है इस बिट को जब यूज करता हूँ तो, परफेक्ट होल निकलता है जिसके अंदर से हमारा दोनों पाइप निकल जाता है, एक तो पानी का पाइप दूसरा कॉपर पाइप। ये आउटर बेंडर है दोस्तों जो बाहर से पाइप के ऊपर पिना कर इसे और जब बैर मारते हैं, ये भी छेनी है, ये पेंसिल लगते हैं मार्किंग के लिए। बारह नंबर और ये 6 नंबर का बिट हम यूज करते हैं इंस्टॉलेशन में, और ये छोटा सा बिट यूज करते हैं कभी कभी विंडो एसी के अंदर सुराख मारने के लिए, उसके आउटर कैबिनेट के अंदर सुराख मारते हैं हम इससे, ताकि उसके अंदर पेज वगैरह अच्छे से कस सके। तो यही कंप्लीट वीडियो थी दोस्तों, यही टूल है मेरे पास, और भी कुछ है जो मैं दिखा नहीं सकता, उसे बहुत ज्यादा टूल हो जाएंगे, पर जो मैं मोस्टली कैरी करता हूँ सिर्फ वही दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो ज्यादा यूज होते हैं, फालतू के मैं टूल आपको दिखा दूँ भर भर के, वो कभी कभी सालों में यूज होते हैं तो कोई फायदा नहीं है। जो मैं रेगुलर बेस पे यूज करता हूँ वो यही टूल हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहूँगा नहीं, मर्जी आप ये कर सकते हो नहीं भी कर सकते।